नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम थ्री ऑफ कप्स के बारे में बात करेंगे। सो थ्री ऑफ कप्स की सबसे पहले हम पिक्चर देखेंगे, जैसे कि हमेशा हम करते आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये थ्री ऑफ कप्स की पिक्चर है। सबसे पहले इस पिक्चर को ही अगर देख के समझने की कोशिश करें तो तीन लोग हैं, तीनों के हाथों में कप्स हैं और तीनों लोग डांसिंग पोजीशन में। इट सीम्स लाइक कि दे आर सेलिब्रेटिंग और डांसिंग और एंजॉयिंग समथिंग। और आसपास भी जो है फूल पत्तों और फ्रूट्स की फोटो है, जो कि अगेन हमारे सेलिब्रेशन के बारे में बात करती है या समथिंग गुड के बारे में बात करती है। फ्रूट्स तभी आते हैं जब हमने अच्छी चीजों के पेड़ लगाए होते हैं। सो बेसिकली अगर हम इस कार्ड को बोले तो ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन के कार्ड के साथ साथ ये कार्ड आपको बोलता है कि नाउ यू हैव सम रीजन टू सेलिब्रेट, यू हैव सम रीजन टू जॉय। ये सोशल एंगेजमेंट के बारे में भी बात करता है। ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने के बारे में भी बात करता है। ये कहता है कि अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके हाथ में। अभी तक आपने जो भी काम किया है अब उसका अच्छा नतीजा आने वाला है, जिस अच्छे नतीजे की वजह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। यस, ये आपसे ये जरूर कहता है कि आपके जो भी, क्योंकि हमारे जो भी हमारा फ्यूचर है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर पास्ट। तो ऑब्वियसली जो भी हमने पास्ट में काम किए, पढ़ाई करी तो नौकरी का रिफ्लेक्शन मिलेगा, या काम शुरू किया तो उसमें हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी हमने अच्छे सीड्स अभी तक सो किए हैं उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स अब मिलने वाले हैं। सो ये कार्ड हमेशा आपको सोशल इंगेजमेंट के बारे में बात करता है, आपके रीजन ऑफ जॉय या सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है। तो आप किसी भी सिचुएशन को तभी सेलिब्रेट करते हैं जब आपके पास कोई अच्छा रीजन होता है। सो बिजनेस और करियर के केस में भी ये आपको यही बताता है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो आपके लिए सक्सेसफुल होने वाला है। ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगा तभी आप उसके लिए उसको सेलिब्रेट करेंगे। ये जॉब के केस में कई बार ये दिखाता है कि आपके पास ऐसा हो सकता है कि यू कैन हैव मोर देन टू ऑप्शन इन हैंड टू चूज। ये इसके बारे में भी बताता है। जैसे अगर हम कई बार बात करते हैं कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और हमारा थ्री ऑफ कप्स आता है, तो वो ये हमें कहता है कि हो सकता है आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन हो और आपको चूज करने की अपॉर्चुनिटी मिले। ये कहता है कि अगर आपके चूज करने के आपके ऑप्शंस आपके बिजनेस में भी मिल सकते हैं, आपको ऐसे ऑप्शंस जिसमें आपको चूज करने की अपॉर्चुनिटी मिले। सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके पास कई सारे ऑप्शन होने वाले हैं और उन ऑप्शंस के थ्रू आपके पास सेलिब्रेशन का रीजन होने वाला है। एज यू कैन सी कि ये इसमें तीन लोग हैं, तीनों के हाथों में कप्स हैं, तो कप्स इटसेल्फ डिनोट्स द इमोशंस, है ना। अभी हमने बात करी थी पिछले वीडियो में। सो यस, अगर आपके इमोशन, आप फुल ऑफ इमोशंस हैं, आपके हाथ में कप्स हैं, यू आर सेलिब्रेटिंग, सो फुल ऑफ पॉजिटिव या हैप्पी इमोशंस हैं। सो लव के केस में ये ऑब्वियसली आपसे यही कहता है कि आपकी रिलेशनशिप में भी ये हैप्पीनेस का टाइम है। मे बी ये दो से तीन लोगों के होने के बारे में बात करता हो। ये अगर प्रेगनेंसी के बारे में भी कई बार हमें इंडिकेशन देता है, कई बार ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बात करता है। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हमेशा किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में नहीं होता है इंडिकेशन। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा ऐसा है जो आप दोनों की रिलेशनशिप को इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि शायद रिलेशनशिप में थोड़ी सी बिटरनेस आ रही है। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका बॉस हो सकता है कि आप काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि आप अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे, या ये आपके घर परिवार में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज नॉट ऑलवेज बीन अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और समथिंग। समटाइम्स ही इस तरीके की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बात करता है। तो अगर इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस के बारे में भी बात करता है, ये जॉयस कार्ड होते हुए भी अगर हमारे स्प्रेड के आगे और पीछे वाले कार्ड जैसा सजेशन दे रहे होते हैं उस तरीके से हम ये बात करते हैं।
हैं. ऑब्वियसली अगर इसके आसपास हमें थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाई देता है तो शायद वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हमारा एक्स्ट्रा मेटल अफेयर की तरह प्रिडिक्ट किया जाए. पर टैरो कार्ड में हमेशा हम कार्ड्स को अपने स्प्रेड के हिसाब से पढ़ते हैं, उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं. इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है. कोई एक कार्ड को अकेले पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको हमेशा हम दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ते हैं. यस, सेलिब्रेशन का कार्ड हो सकता है, प्रेगनेंसी का कार्ड हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कार्ड हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज का कार्ड हो सकता है. सो ओवरऑल दिस इज अगेन अ गुड कार्ड एंड पॉजिटिव कार्ड आई मस्ट से. तो और सिंगल्स के बारे में, यस, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट सिंगल्स. अगर सिंगल्स के केस में आता है ये कार्ड तो वहां पर भी ये रीयूनियन के बारे में बताता है. हो सकता है कि वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने वाला हो या वहां पर उसकी वजह से कोई रीजन सेलिब्रेट हो, और ऐसा भी इंडिकेशन हो सकता है कि वो अपने पुराने दोस्तों से मिले तो कोई आप उसका ओल्ड लव अफेयर जो है वो उसके सामने आ जाए. सो ऐसी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करता है. जैसा कि मैंने बोला, हमेशा कार्ड को हम रिलेटिवली पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से हम सिचुएशन के हिसाब से चेक करेंगे कि ये हमारे लिए क्या कहता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट थ्री ऑफ कप्स. नेक्स्ट विल बी फोर ऑफ कप्स. तो मिलते हैं जल्दी ही. नमस्ते.